क्या महेंद्र सिंह धोनी का अनंत अंबानी के शादी में जाना बहुत जरूरी था? यह सवाल उठना अब जायज सी हो गई है। कारण बस इतना है कि जब श्रीराम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था अयोध्या में, तब महेंद्र सिंह धोनी को इनविटेशन कार्ड गया था। तब महेंद्र सिंह धोनी ने उस कार्ड को एक्सेप्ट किया था, लेकिन उद्घाटन में महेंद्र सिंह धोनी नहीं पहुंचे थे। यह सवाल सोशल मीडिया पर बहुत जोरों से फैल रहा है। लोग कई अलग अलग तरीके से इस सवाल को पेश कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि महेंद्र सिंह धोनी अनंत अंबानी की शादी में इसलिए गए हैं क्योंकि मुकेश अंबानी ने बुलाया है। मुकेश अंबानी इस देश के, इंडिया के और दुनिया के अमीरों में शामिल है, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। मुंबई इंडियंस के मालिक भी हैं। मुंबई इंडियंस के कई बड़े बड़े खिलाड़ी, दिग्गज खिलाड़ी गए हैं अनंत अंबानी के शादी में, उनका जाना जायज है। जैसे रोहित शर्मा गए हैं, पोलार्ड गए हैं और राशिद खान गए हैं, राशिद खान जो गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हैं। ऐसे कई बड़े बड़े बिलियनर भी गए हैं, जैसे मार्क जुकरबर्ग गए हैं, आनंद महिंद्रा गए हैं, बॉलीवुड हस्तियों में बात करें तो अक्षय कुमार गए हैं और सुनील शेट्टी गए हैं, शिल्पा शेट्टी गई हैं, करिश्मा कपूर, करीना कपूर गए। तो सभी लोग अनंत अंबानी की शादी में गए। सबका जाना जायज भी है क्योंकि अगर इतने बड़े लोग अगर आपको बुलाते हैं तो जाना बनता है। लेकिन पोलार्ड जो PSL खेल रहे थे, पाकिस्तान सुपर लीग जो क्रिकेट खेल रहे थे, उसको छोड़कर इंडिया अनंत अंबानी की शादी अटेंड करने आ गए। ये बहुत शॉकिंग न्यूज भी है, काफी लोगों का इस पर प्रतिक्रिया भी आ रहा है। क्या PSL में कोई रूल रेगुलेशन नहीं है कि कोई भी खिलाड़ी कभी भी बीच में क्रिकेट छोड़कर आ जाए, कहीं दूसरे देश चला जाए, कहीं दूसरी जगह चला जाए बिना कुछ अपडेट किए? क्या ऐसा कुछ रूल रेगुलेशन नहीं है? कुछ लोगों का कहना है कि PSL में पोलार्ड की रूल रेगुलेशन कोई मतलब मायने नहीं रखता है। मुंबई इंडियंस में उनका काफी अच्छा रुतबा है। कई बार तो ऐसा हुआ है कि जब वो मुंबई इंडियंस को अकेले दम पर मैच को जिता दिए हैं। तो इन्हीं सारी चीजों का और उनका मुकेश अंबानी के साथ काफी अच्छा रिलेशन है, जिसको देखते हुए पोलार्ड PSL की क्रिकेट छोड़कर सीधा अनंत अंबानी के शादी में आ गए। ये सारे सवाल उठ रहे हैं। उन्हीं बीच ये भी चीजें आती हैं कि PSL में जो खेल रहे हैं ऐसे खिलाड़ी हैं जो या अपनी टीम में स्थिर नहीं है या फिर वो रिटायर हो चुके हैं। PSL में कोई बड़ा खिलाड़ी भागीदार जल्दी नहीं होता है, शायद इसीलिए लोग PSL को छोड़ के बीच में दूसरे, जैसे उनकी फ्रेंचाइजी के मैच शुरू होते हैं तो उसमें शामिल हो जाते हैं, PSL में बीच में ड्रॉप कर देते हैं। तो ये सारे सवाल उठना जायज लगता है लोगों का। आपका इस पर क्या विचार है? आप इस पर क्या कमेंट करना चाहेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपका जो भी रिएक्शन हो, नए सवाल जो भी उठेंगे मार्केट में, उसको लेकर हम दोबारा आएंगे। धन्यवाद।